काफी खराब है, डार्कनेस आ रही है। हेलो पीपल, हाउ आर यू? गुड गुड। तो आज की वीडियो में मैं फुल फेस के लिए शुगर प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और उनको जेन्युइनली और ऑनेस्टली रिव्यू करूंगी ताकि आप अगली बार से शुगर के प्रोडक्ट्स खरीदने जाए तो आपको पता हो व्हाट टू बाय। ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे शुगर ने पीआर में भेजे थे, तो जो जो मेरे पास अवेलेबल है वही मैं यूज करने वाली हूँ। मैंने अलग से कुछ भी नहीं खरीदा है। Best do I look like a care? No. So, let's start the video. एक सेकेंड, वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है एंड आई एम गोना रिवील समथिंग वेरी एक्साइटिंग, सो वॉच द एंड। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे जो बेल बटन आइकन है ना उसको भी दबा दीजिए ताकि अगली बार मेरी कोई भी वीडियो रिलीज हो आपको सबसे पहले दिखे। तो प्राइमर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और मेरे पास शुगर का प्राइमर नहीं था तो मैंने किसी और ब्रांड का अप्लाई करा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन फर्स्ट। और मैं यूज कर रही हूँ शुगर का रेज फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन इन शेड 15 कैपुचिनो। तो आपको तो पता ही है मैं हमेशा अपना मेकअप फाउंडेशन से स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने इतना फाउंडेशन लिया है। ब्लेंडिंग के लिए मैं अपना रेगुलर फाउंडेशन ब्रश यूज कर रही हूँ। बाय द वे, ये जो मिरर है ना ये भी शुगर का ही है, टूट गया है थोड़ा। ओके, तो मैंने हाफ फेस पे ब्लेंडिंग करी है तो आप देख सकते हो कि कवरेज तो अच्छी है फाउंडेशन की। अभी तक तो मैंने कंसीलर लगाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी फर्स्ट लेयर है। स्टिल काफी ज्यादा रेडनेस जो थी ना वो सारी कवर हो गई है। ओके ओके, कवरेज तो बहुत अच्छी है। ऑल्सो इट रिटेल्स फॉर 799। आई लाइक इट। चलो ये प्रोडक्ट तो पास हो गया, अब ना मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज कंसीलिंग। और कंसीलर है मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर इन शेड 15 कैपुचिनो। आपको तो पता है मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ और यहाँ लगाऊंगी, बस इतना ही लगाऊंगी, ब्लेंड कर लेते हैं। आई लाइक यूजिंग ब्रश rather than beauty blender. ब्रश से जो कवरेज मिलती है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं मिलती और फिंगर से तो बिल्कुल नहीं मिलती है। कंसीलर की कंसिस्टेंसी है ना चिपचिपी सी है, स्टिकी है थोड़ा कंसीलर, मुश्किल से हो रहा है बट ब्लेंड हो रहा है। लुक एट द डिफरेंस नाउ, नाइस, प्रिटी गुड कवरेज यार, आई लाइक इट। दिस इज समथिंग आई वोंट यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस बट कभी कभी के लिए इट्स गुड। जो मैं कंसीलर रेगुलर यूज करती हूँ टू फेस्ड का, मुझे उसकी इतनी आदत पड़ गई है ना, आई डोंट फील लाइक यूजिंग एनी अदर प्रोडक्ट। थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि कंसीलर जो है ना वो मेरे शेड से थोड़ा लाइट है, जबकि फाउंडेशन का भी सेम शेड था कैपुचिनो, बट समहाउ आई एम फीलिंग कि कंसीलर थोड़ा ज्यादा लाइट है। बट ठीक है, देखते हैं, अभी सेट करने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। चलो इसको सेट कर लेते हैं और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ही ऑल सेट टू गो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। सो दिस वन रिटेल्स फॉर 600। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक छोटा सा पफ दिया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपना बेस कैसे सेट करती हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। बट फिलहाल आज मैं वो टेक्निक से नहीं करूंगी अपना बेस सेट, मैं आज प्रॉपर बेकिंग करूंगी। पहले तो कोई भी क्रीजेस हो गए हैं तो उसको थोड़ा सा स्मूद आउट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अंडर आईज सेट करूंगी। फुल फेस सेट नहीं करूंगी, सिर्फ अंडर आईज। आई होप मेरा बेस पैची ना हो इससे। कैसी आवाजें आ रही है पता नहीं यार, पाउडर लग के अच्छा नहीं लग रहा, डार्कनेस आ रही है। ओके, तो व्हाट द हेल, अब ठीक है, ऊपर भी सेट कर लिया, 3 आई कर लेती हूँ। तो जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं अपनी ब्राउज करके आती हूँ फटाफट से। पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेते हैं। ऑनेस्टली मुझे ये पाउडर बिल्कुल पसंद नहीं आया, काफी खराब है। शुगर यू नीड टू वर्क ऑन योर पाउडर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज गोना बी कॉन्टूर डे फोर्स फेस पैलेट इन शेड विविड विक्ट्री। ओके, तो इस पैलेट के मेरे पास दो शेड्स हैं, एक है सटल समिट और एक है Vivid Victory. So I'm gonna show you Vivid Victory first.
ओके, तो ये पैलेट में तीन चीजें हैं, कॉन्टूर, ब्लश एंड हाइलाइटर। और इस वाली पैलेट में थोड़े वॉर्म शेड्स हैं, इसमें थोड़े से कूल टोन्स हैं। सो आई एम गोना टेक माय फ्लफी एंगल ब्रश और पहले कॉन्टूर कर लेती हूँ। नाइस पिगमेंट, जॉ लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डबल चिन नहीं छुपाई तो क्या छुपाया। पिनोकियो जैसी नहीं दिख रही मैं। ओके चलो ब्लश लगा लेते हैं। ये अच्छा है कि इसमें मिरर दिया हुआ है तो काफी इजी हो गया मेरे को यूज करना ना। ब्लश भी अच्छा खासा पिगमेंटेड है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे, बट थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, अगर ज्यादा लगेगा तो ठीक कर लेंगे बाद में। अब फिलहाल हाईलाइट कर लेते हैं। यू नो आई लव हाईलाइटिंग, नॉट बैड, आई लाइक इट। मेरी नेक बहुत अच्छे से विजिबल है तो मैं थोड़ा सा अपनी कॉलर बोन्स को भी हाईलाइट कर लेती हूँ। चलो जी चलो, अब आई मेकअप कर लेते हैं। नमक शमक डाल देते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लेंड द रूल्स आई शैडो पैलेट। ओके, तो ये जो पैलेट है ना, इसमें जितने भी कलर्स हैं वो काफी ज्यादा न्यूट्रल और न्यूड टाइप के हैं, तो मैं कुछ तो भी ट्विस्ट तो करूंगी क्योंकि यू नो आई एम नॉट द बेसिक बिच। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ शुगर का Hole of Honor Intense Kajal Blackout में। सबसे पहले लाइनर ड्रॉ करूंगी अपने आईलिड पे, ठीक है। थोड़ा सा रफली मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी क्योंकि बाद में मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। ओके, तो मैं ये एंगल्ड प्रिसाइज ब्रश लेने वाली हूँ और थोड़ा थोड़ा इसे ब्लेंड कर लूंगी। ओके, तो अब ये जो शेड है ना मॉव शेड, इससे मैं यहाँ पे ब्लेंड करने वाली हूँ। वाओ, मेरा तो मन कर रहा है इसको ऐसे ही छोड़ दूं, बट थोड़ा तो आई मेकअप करेंगे ही। ये पैलेट काफी पिगमेंटेड है, मैं यहाँ स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो अभी ऊपर पिंक कलर का शेड लगा लेते हैं और मैं ले रही हूँ सॉफ्ट एप्रिकॉट। सो व्हाट आई फील अबाउट दिस कोल ना, काफी सॉफ्ट है और बहुत पिगमेंटेड है, मतलब देख रहे हो आप एक ही स्वाइप में कितना डार्क है। ये एक्चुअली इंटेंस है। एपी डिलन के गाने सुने आप लोगों ने? आजकल मैं लिटरली ऑब्सेस्ड हूँ उसके गानों से, मेरे पति ने शौक चढ़ा दिया मेरे को। ओके, तो पैलेट तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो फार सो गुड, बट एक ही प्रॉब्लम थी, फॉल आउट ज़्यादा था, बट प्रिटी पिगमेंटेड, तो इसलिए मेरी तरफ से ये पास है। फिलहाल ये रिटेल करती है 1199 और लोअर लिड्स पे मैं अभी कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके अलावा मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा। मैं फिलहाल के लिए पहले लैशेज को कर्ल कर लेते हैं। 3, 4, 5, तो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड लैश मॉब लिमिटलेस मस्कारा ब्लैक विद अ बैंड। वेल आई डोंट नो ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, बिकॉज ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है इस पे। लुक एट दिस, इट्स इनसेन राइट। ऐसा लग रहा है मुझे लैशेस की नीड नहीं है अब, या मैं तो शुगर के प्रोडक्ट्स को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी, बट सीरियसली ब्रो अच्छे हैं प्रोडक्ट्स। व्हाट गाइस, आई हैव टू से दिस, दिस मस्कारा हैज माय हार्ट, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। ओके, तो आई मेकअप हो गया है, लास्ट स्टेप की बारी है विच इज गोना बी आवर लिपस्टिक। सो मेरे पास लिपस्टिक का एक शुगर का अलग बॉक्स है, ये दोनों जो लिपस्टिक्स हैं ये दोनों मैंने खुद परचेज करी है, बट बाकी सारी जितनी भी मिनी वाली है ना वो सारी शुगर ने भेजी है। टूडे आई विल बी यूजिंग दिस वन
ये वाला बिकॉज ये मेरे स्वेटर के साथ प्रॉपर मैच हो रहा है. दिस शेड इज 22 मिया सांग्रिया. सिंस आई डोंट हैव एनी लिप लाइनर फ्रॉम शुगर, सिर्फ एक लाइनर है दैट इज अ ब्राउन शेड एंड आई एम नॉट गोना यूज दैट. तो मैं ऑफ कैमरा अपने लिप्स को लाइन कर लेती हूँ एक न्यूड शेड से और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक. थोड़ा सा मैंने लिप्स को ओवरलाइन करा है तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक. It's too pink for me. थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे बिकॉज मैं पिंक अप्लाई नहीं करती हूँ यूजुअली. आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपने मुझे हमेशा न्यूड लिपस्टिक में देखा होगा. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझ पे रेड और पिंक सूट नहीं करते बिल्कुल. आई गेस मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी. तो अब मैं थोड़ी देर में आती हूँ और आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ और उसके बाद मैं एक रिवील करने वाली हूँ. आई टोल्ड यू ना कोई सरप्राइज है आपके लिए एंड में. थोड़ा सब्र करो, वेट फॉर मी. That carries them has kept me astray. Too soon to act on it. Can we ever be? That all depends on what you feel. I am back, guys, and this is how I look finally. Aren't my earrings pretty? These earrings were gifted to me by my best friend, so they are really close to my heart. So overall products were amazing, but if I have to choose one, the best one and the worst one, the best one was definitely the mascara. It won the game. And the worst product was of course the setting powder. It actually ruined my base and abhi eyes ke niche aur yahan smile lines pe creases aa gaye hai. So I didn't like it. And about lipstick, it's quite drying. और मेरे लिप्स पे क्रैक्स आ गए थे तो आई हैड टू टॉप इट ऑफ विद अ ग्लॉस. बट फाइनली द लुक इज ब्यूटिफुल, बट समहाउ आई फील माई मेकअप हैज क्रैक्ड. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी. द आई शेडो पैलेट इज अ बिट प्राइसी बिकॉज उतने प्राइस में मेबलिन की बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स आती हैं और भी ब्रांड्स की बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स आती हैं. एंड या दैट वॉज माई जेन्युइन ओपिनियन. आई डोंट नो इफ शुगर इज वॉचिंग दिस राइट नाउ. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग और एनीथिंग. It's just my feedback, my honest opinion for my audience. That's it or nothing else, no hard feelings. Anyway, it's time to reveal the truth, the surprise I told you about. I can't hold it anymore. I am going to Dubai! Woohoo! And I'm gonna vlog it! And show you guys each and everything I experienced there. I am so excited to take you all on the journey. See you guys in Dubai. Hold tight. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना और कमेंट में मुझे बताना कि अगली बार आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे. और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स. आई लव टू रिप्लाई यू ऑल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.